हमारे आदरणीय कोई कविताएं हो सुनील जी तो जो उनके आदरणीय अटल जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और काफी साहित्यकारों के और अच्छे विचारों के प्रेरणा स्रोत अटल अटल जो है मृत्यु है, मुझे लगता है कि वो दुनिया में हमेशा अटल रहेंगे, यही सेटल रहेंगे। वो कहीं अगर शारीरिक रूप से गए भी हैं तो वो सिर्फ रिन्यू होने गए, फिर से वापस आएंगे, अपने विचारों को लेकर आएंगे, अपने कविताओं को लेकर आएंगे, अपने साहित्य को लेकर आएंगे और फिर से वही भूचाल मचाएंगे। फिलहाल इस बात का दुख तो है कि बीजेपी के पिता और भारत माँ के पुत्र शारीरिक रूप से हमें छोड़ कर गए, लेकिन दोबारा फिर वापस आएंगे। इसी अंदाज में मैं कहता हूँ कि हर शख्स अपने गम में खोया है, अटल जी के अंदाज में कहना चाहूँगा क्योंकि हम तो उनके रेलवे क्रिएटर्स भी फैन हैं और हम अपना हमारा अंदाज है हमारी श्रद्धांजलि है। फिर एक बार कहना चाहूँगा कहीं गए नहीं, अमर है, हर शख्स अपने गम में खोया है। भाई बहनों, हर शख्स अपने गम में खोया है और जिसे गम नहीं है वो कब्र में सो रहा है। तो इस दुनिया में हर किसी के पास गम है, हर किसी के पास प्रॉब्लम है, लेकिन अटल जी दोबारा ज़रूर वापस आएंगे, वो हमेशा अमर रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद अटल जी, आप हमेशा हमारे बीच ही हो, हमारे भी दिन लव यू। महमूद जी, आप महमूद जी, हाँ महमूद जी, अटल जी के बारे में, अटल जी के बारे में प्रेरणा दिए लोगों को, और बड़े रहे हैं, बड़े बड़े ही होते हैं और हम तो बहुत छोटे लोग हैं उनके बारे में वो कहने के लिए भी। अलबत्त ये कि चूँकि हम भी नागरिक हैं, हम यहाँ के वतनी हैं और हमें उनसे जितना प्यार है वो महसूस किया जा सकता है। ज़बान पर लाकर उसकी कोई मकदार कम करना मुझे अच्छा लग नहीं रहा है क्योंकि इतने बड़े आदमी के लिए मुझे से नाचीज़ का बोलना शायद मज़ा नहीं आएगा मुझे बोलने में, वो बात बने भी नहीं जो जितनी बड़ी शख्सियत वो हैं। तो दुख की बात है और जैसे भाई ने कहा कि मौत बरहक है, कल हमारा भी वक्त आएगा ऐसा, लेकिन शायद हमें इतना याद नहीं करें लोग जितना अटल जी को याद करेंगे। नवीन भाई आप क्या कहना चाहेंगे अटल जी के इस सामने आके सुनील जी के साथ? हमारे सार्वभौम हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 93 साल के आयु में सारा का सारा जीवन उन्होंने हिंदुस्तान को कुर्बान कर दिया और सही मायने में उन्होंने स्वतंत्रता को अपनी आंखों से देखा, अपने जीवन को सींचा है। तो मेरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सबसे प्रभावी और आज के हमारे अभावी अटल जी आज हमारे बीच नहीं है, इसका हमें पूरा पूरा खेद है और हम बहुत सारे कलाकार मिल के उनके सेक्रीफाइस पर हम मौन रखना चाहते थे, लेकिन कई लोगों के SMS और मैसेजेस हमको आए कि यार इस वक्त में हम लोग सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, लेकिन हमारे आलम भाई का प्यार है, सारे कलाकारों ने एक SMS तो उनको कर दिया और चाहे हम देखो रीजंस हम भले कितने ही बताएं लेकिन चीज़ें तो हमारे सामने हैं, तो हम सेलिब्रेशन नहीं, हम उनको विशेष करने आए हैं और हमारी सारी खुशियाँ इनके साथ है और देश के सार्वभौम भूतपूर्व प्रधानमंत्री आज हमारे बीच नहीं रहे, उसका हमें दिल से किए।